नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। 18 अक्टूबर 2021 से नगर के काली माता मंदिर प्रांगण पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष जनता श्री कृष्ण कला पथक मंडल द्वारा अपनी 92वीं रामलीला का आयोजन नगर के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय सेठ केदारनाथ अग्रवाल की पुण्य स्मृति में किया जा रहा है। इसके आरती उतारने के लिए स्वर्गीय सेठ केदारनाथ अग्रवाल के स्वजनों को प्राप्त हुआ। उल्लेखित है कि जनता श्री कृष्ण कला पथक मंडल द्वारा वर्ष 1930 से भगवान श्री राम के जीवन वृत्त पर आधारित लीलाओं का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया जाता रहा है। उन्हीं कलाकारों में से रामलीला के 2 दशक तक से भी अधिक समय तक स्वर्गीय सेठ केदारनाथ अग्रवाल द्वारा हनुमान जी को जो पाठ किया जाता था, उससे उनकी पहचान भी हनुमान के नाम से नगर ही नहीं संपूर्ण क्षेत्र में हो गई थी। आज भले ही गत वर्ष कोरोना बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, लेकिन जैसे ही रामलीला में भगवान श्री राम वन में पहुंच जाते हैं, वहां उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है और हनुमान जी के अभिनय का पाठ जैसे ही शुरू होता है, वैसे ही लोगों के अंदर 2 दशक से भी अधिक समय तक हनुमान जी के पाठ के लिए सुप्रसिद्ध हुए सेठ स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल की स्मृति आंखों में उतर आती है। अब जब जैसे ही बुधवार की रात्रि लंका दहन सहित हनुमान जी से संबंधित रामलीला में लीला हुई, लोगों को जिन्हें कोरोना की वजह से लोगों ने खो दिया और हनुमान जी की याद आ गई, कई लोगों की आंखें नम हुई। रामलीला आयोजन समिति ने जैसे ही उनकी पुण्य स्मृति में रामलीला का आयोजन कराने का निर्णय लिया, तो उनके परिजनों ने भी लंका दहन आदि के मंचन की लीला का आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वर्गीय सेठ केदारनाथ अग्रवाल के ज्येष्ठ भ्राता कैलाश चंद अग्रवाल, डॉक्टर राधिलाल अग्रवाल आदि उपस्थित रहे और संपूर्ण परिवार द्वारा आरती उतारी गई। Thank you.